वर्चुअल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम महानगर में निवास करने वाले प्रदेश व क्षेत्र के पदाधिकारी, महानगर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से पदाधिकारियों की बैठक कर कार्य योजना बनाई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी, चौराहे चौराहे पर गुंडागर्दी होती थी, जबरन जमीनों पर कब्जे होते थे, अपराधियों का बोलबाला था, अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी। 2017 के बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा अपराधियों की नकेल कसी गई है, कानून का राज स्थापित हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े गुंडों का माफियाओं के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनकी अवैध जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है और विकास का एक मॉडल, एक नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम भाजपा सरकार में हुआ है। आज प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक माहौल है। 25,70,00,000 लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हुई, लगभग 70% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने उत्तर प्रदेश को सराहा। आज हम तीसरे वेव को भी कुछ दिनों में नियंत्रित कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोरोना कालखंड में सेवा ही संगठन के लोगों के साथ सेवा भाव करती रही। पहले गोरखपुर में बिजली 3 से 4 घंटे मिलती थी, आज बिना भेदभाव के बिजली पूरे प्रदेश में 20 से 24 घंटे मिल रही है। बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं सबको मिल रही हैं। वर्तमान में 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करा रही है डबल इंजन की सरकार। गोरखपुर में बंद पड़ा खाद कारखाना पुनः प्रारंभ हुआ है। जल जमाव की समस्या के लिए तरकुलानी पंप बना, जिससे कि जल जमाव की समस्या खत्म हो। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, एम्स, महिला ट्रेनिंग सेंटर जैसे अनेकों विकास के मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2017 के पहले यह विकास क्यों नहीं था, यह पैसा पहले कहाँ जाता था? आज उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोजर से पैसा निकल रहा है। गाँव हो या शहर, प्रत्येक घर जल की व्यवस्था। पहले प्रदेश की पहचान दंगा था, अब अयोध्या दीपोत्सव, काशी विश्वनाथ धाम, गोरखपुर में रामगढ़ताल परियोजना पर पैसा खर्च होता है। पहले गोरखपुर में 2017 के पहले जाम की समस्या की वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता था, लेकिन आज सड़कों को 4-लेन कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। वर्चुअल बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 2017 से पहले जो विकास के कार्य समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था और किसी भी काम को धरातल पर नहीं उतारा था, उदाहरण के तौर पर 2012 से 17 तक पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने केवल 18,000 आवास बनाया था, जबकि भाजपा सरकार में केवल गोरखपुर महानगर में 32,000 गरीबों के आवास बनवाए हैं। प्रदेश में 45,00,000 आवास बनाए गए केंद्र में पिछले 7.5 वर्षों में और प्रदेश में 5 वर्षों में भाजपा ने जो विकास के कार्य किए हैं वह ऐतिहासिक है। वर्चुअल बैठक का आभार महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल महामंत्री, नगर में निवास करने वाले प्रदेश व क्षेत्र के पदाधिकारी, महानगर पदाधिकारी सहित प्रमुख लोग उपस्थित रहे।